नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी लवर्स की पाठशाला। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा द स्कारलेट लेटर, एक रोमांस के बारे में जो कि लिखी गई थी एक अमेरिकन ऑथर और नॉवेलिस्ट नेथेलियल हाउथरोन के द्वारा। दोस्तों ये नॉवल 1850 में लिखी गई एक ऐतिहासिक कल्पना है और इसे नेथेनियल हाउथरोन का एक मास्टर वर्क भी माना जाता है। इसमें हेस्टर पेंट नाम की एक महिला है जिसने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है और पूरे समाज में उसको एक ऐसे नजरिए से देखा जा रहा है जैसे उसने एक पाप किया हो। मतलब इसने जिस बच्ची को जन्म दिया है वो इसने अपने पति की बजाय किसी दूसरे आदमी से दिया है। अब ये अपने पाप का पश्चाताप करना चाहती है और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहती है। दोस्तों ये नोवेल जो है ये अपने पब्लिश होने से 200 साल पहले की कल्पना है, यानी कि 1640 से 1650 के बीच की कल्पना है ये नोवेल। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ऐतिहासिक कल्पना है, इसकी शुरुआत होती है एक कस्टम हाउस से। एक सैलम कस्टम हाउस नाम की एक जगह है जहां हमारी कहानी के लेखक नेथेनियल हाउथरोन जी है वो काम करते हैं। जहां काम करते करते उन्हें एक दिन कुछ पेपर मिलते हैं, मतलब कुछ कागज वगैरह मिलते हैं जिनमें कुछ लिखा हुआ होता है, और इसी के साथ उन्हें एक छोटे से कपड़े का टुकड़ा मिलता है जिस पर किसी ने कढ़ाई करके ए नाम का शब्द बनाया हुआ होता है। और उस कपड़े पे इस ए लेटर को बना हुआ देख करके नेथेनियल हाउथरोन के दिमाग में स्कारलेट लेटर की रचना का विचार आता है। तो ये था कहानी का अगला हिस्सा। अब शुरू करते हैं कहानी। एक जेल है जिसके बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं किसी को देखने के लिए। ऐसे लग रहा है जैसे उसमें से बहुत बड़ा कैदी बाहर आएगा, लेकिन उसमें से बाहर आता कौन है? एक महिला जो अपनी छोटी सी बच्ची को हाथ में लेकर के बाहर आ रही है। इस बच्ची को उसने हाल ही में जन्म दिया है और समाज में उसे एक पापिन की तरह माना जा रहा है, एक पाप किया है जैसे उसने। उस महिला के गले में एक लॉकेट है जिसमें ए शब्द बना हुआ है। इस ए शब्द का मतलब है अडल्ट्री। इस अडल्ट्री का मतलब है जिस महिला का किसी और व्यक्ति के साथ संबंध रहा हो तो उसे ये अडल्ट्री शब्द का लॉकेट पहना दिया जाता है। अब ये महिला जेल से बाहर आ रही है, इसको एक चबूतरे पे खड़ा रखा जाएगा 3 घंटे। चबूतरे का मतलब समझते हो ना, जैसे रामलीला वगैरह हो रही है और चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, इसको खड़ा रखा जाएगा। अब इसको खड़ा इसलिए रखा जा रहा है ताकि इस महिला ने जो किया है पाप उस चीज की इसे शर्म महसूस हो। अब भीड़ में बहुत सारे लोग उस महिला को देख रहे हैं, कुछ लोगों को उसके साथ सिंपत्ति है तो कुछ लोग उसको अब्यूज कर रहे हैं। इस महिला का नाम है हेस्टर प्रिंट। जब इसको उस चबूतरे पे खड़ा रखा गया 3 घंटे तो ये महिला कुछ खोई खोई सी है, कुछ सोच रही थी। तभी भीड़ में से एक दाढ़ी वाला आदमी बाहर निकल करके आता है और उस महिला को देखता है। वो महिला उस आदमी को देख करके घबरा जाती है और कुछ बोलने ही वाली होती है कि वो आदमी अपने मुंह पे उंगली रख करके उसको चुप करवा देता है, जैसे बोल रहा हो कि इतनी पब्लिक के बीच में मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, तुम चुप रहो। ये दाढ़ी वाला आदमी वहां खड़े लोगों से पूछता है कि इस औरत ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इसे यहाँ पे खड़ा रखा गया है। तो लोग उसे बताते हैं कि इसने किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाए हैं जिसकी वजह से इसे अडल्ट्री का सिंबल दिया गया है। इतना सुनते ही वो दाढ़ी वाला आदमी इतना गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि इसके लवर को भी यहाँ पे ला करके मार देना चाहिए, और इतना बोलते ही वो गुस्से में चला जाता है। अब ये दाढ़ी वाला आदमी था कौन जो इतना गुस्सा कर रहा था? ये इस महिला का पति है जो लौट करके आया है वापस। सालों के बाद ये यहाँ पे आया है और इसे ये उम्मीद नहीं थी कि इसकी पत्नी इसे इस हालत में मिलेगी। जी हाँ, हेस्टर इसकी पत्नी है। सालों पहले इसने हेस्टर को अमेरिका भेज दिया था और खुद किसी वजह से अमेरिका नहीं आ पाया था। तो इसने हेस्टर को कहा था कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। लेकिन 2 साल बीत गए, ये नहीं आया, तो हेस्टर ने सोचा कि ये मर चुका है। और अब जब ये वापस आया है तो इसकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है और चिलिंगवर्थ नाम से यहाँ पे नाम बदल के रह रहा है। लेकिन अब जब ये वापस आ चुका है तो इसको मेडिसिन का बहुत ज्ञान हो चुका है। पता नहीं कहाँ से ये वैद्य बन के आया है, इसको दवाइयों ववाइयों का पूरा ज्ञान हो चुका है। अब यहाँ इस गांव में ये अपनी जीविका चलाने के लिए लोगों को सही करता है, मतलब एक तरह से वैद्य बन गया है। अब कुछ दिनों में हेस्टर की जेल से रिहाई होने वाली है। उसने ऑलमोस्ट अपने पाप की सजा काट ली है। हालांकि हेस्टर की सजा के दौरान उससे बार बार पूछा गया कि वो अपने लवर का नाम बता दे, लेकिन उसने नहीं बताया। वो चाहती है कि उसके गुनाहों की सजा, सारे गुनाहों की सजा उसे ही दी जाए। अब एक दिन हेस्टर की बेटी जो पर्ल है, उसने पर्ल रखा है अपनी बेटी का नाम, वो बीमार पड़ गई। तो इस बहाने हेस्टर की बेटी पर्ल का इलाज करने के लिए उसका पति चिलिंगवर्थ, जो नाम बदल के रह रहा था, उनसे मिलने आया। उनके बीच में बहुत सारी बातें हुई
इन्हीं बातों बातों में चिलिंगवर्थ ने हेस्टर से पूछा कि वो अपने लवर का नाम बता दे, लेकिन वो तो अड़ी हुई थी, उसने किसी को भी उसका नाम नहीं बताया तो वो उसे क्या बताती। चिलिंगवर्थ ने कहा कि वो तो उसका पति है तो एटलीस्ट उसे तो वो बता ही सकती है, लेकिन हेस्टर ने नहीं बताया तो चिलिंगवर्थ उस पर गुस्सा हो गया और कहा कि वो कैसे ना कैसे करके उसके लवर का पता लगा ही लेगा और उससे बदला लेगा। अब एक दिन ऐसा भी आ गया जब हेस्टर ने अपनी किए की सजा काट ली, तो अब जिंदगी में आगे क्या, अब कैसे ना कैसे करके जिंदगी तो जीनी पड़ेगी ना, अपनी बेटी पर्ल को जो पालना है। इसके लिए वो एक कढ़ाई का काम करना शुरू करती है। कढ़ाई का मतलब आप समझते हो, कपड़े पे बुनाई करना। धीरे धीरे वो बहुत सारे कपड़ों की बुनाई करना शुरू कर देती है और अपनी जिंदगी जीने लगती है। लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन उस पर अभी भी बना हुआ है, उसे अपनी पूरी जिंदगी उसे वो लॉकेट पहन के रखना पड़ेगा, ए नाम का लेटर जिस पे बना हुआ है। वो एडल्ट्री का सिंबल है, लोग उससे दूर रहेंगे और ये समझ जाएंगे कि वो एक पापिन है। अब जिंदगी भर उसे ये बोझ लेकर के जीना पड़ेगा, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे हेस्टर की बेटी पर्ल बड़ी हो रही थी। दोस्तों आपको पता है या नहीं, लेकिन 1640 या 1650 के बीच में पादरियों का बहुत राज चलता था, मतलब समाज में उनकी पोजीशन एकदम हाई थी। तो एक दिन हेस्टर को गवर्नर रिचर्ड बेलिंगम ने अपने पास बुलाया। उस वक्त वहां पे चिलिंगवर्थ भी मौजूद था, उसके साथ साथ एक पादरी आर्थर डिम्सडेल भी वहां पे मौजूद था। तो अब गवर्नर रिचर्ड बेलिंगम ने हेस्टर को अपने पास बुलाकर कहा कि अब हमें तुम्हारी बेटी से तुम्हें अलग करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अब वो बड़ी हो रही है और तुम जैसे कैरेक्टर की महिला हो तो आगे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हेस्टर ने गवर्नर से रिक्वेस्ट की कि कृपया उसे उसकी बेटी से अलग ना करें, क्योंकि उसकी बेटी पर्ल ही उसके जीने का एकमात्र सहारा थी। अब वहाँ पे चिलिंगवर्थ भी मौजूद था, सब कुछ देख रहा था, सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसने हेस्टर के पक्ष में कुछ नहीं कहा। तो हेस्टर ने वहाँ पे खड़े पादरी आर्थर डिम्सडेल से रिक्वेस्ट की कि गवर्नर साहब को समझाए और उसका पक्ष ले। डिम्सडेल ने कहा कि हमें इनकी बेटी इनके पास रहने देनी चाहिए। तो पादरी का हेस्टर का पक्ष लेने की वजह से हेस्टर की बेटी हेस्टर के पास रह गई, उसे अब उससे अलग नहीं किया जाएगा। अब ये पादरी है कौन, ये क्यों इसका इतना पक्ष ले रहा था, जिसका नाम है आर्थर डिम्सडेल, ये क्यों इसका पक्ष ले रहा था इतना। अब यही चीज चिलिंगवर्थ के दिमाग में भी खटक रही थी। ये पादरी आर्थर डिम्सडेल हेस्टर का वही लवर था जिसकी वजह से इसने पर्ल को जन्म दिया, इसलिए इसने हेस्टर का गवर्नर के सामने पक्ष लिया कि इसकी बेटी इसी के पास रहने दिया जाए। अब ये आर्थर डिम्सडेल जो है ये थोड़ा बीमार रहा करता था, तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने इसको सलाह दी कि चिलिंगवर्थ से अपना इलाज करवाए। चिलिंगवर्थ को मेडिसिन का बहुत सारा ज्ञान है, प्लस वो तुम्हारा अच्छे से इलाज कर सकेगा। तो उसने लोगों की बात मान ली और चिलिंगवर्थ से अपना इलाज करवाने लगा। चिलिंगवर्थ जो है इसको आर्थर पे थोड़ा थोड़ा शक तो था ही कि ये लवर हो सकता है मेरी बीवी का, लेकिन फिर भी अभी यकीन नहीं था। चिलिंगवर्थ आर्थर डिम्सडेल का इलाज करने के बहाने उसके साथ रह रहा था, ताकि वो डिम्सडेल से सच्चाई उगलवा सके। काफ़ी दिनों तक चिलिंगवर्थ के डिम्सडेल के साथ रहने के बावजूद भी डिम्सडेल की बीमारी का इलाज नहीं निकल पा रहा था। ऊपर से चिलिंगवर्थ अपनी बातों के जाल में डिम्सडेल को फंसाता था कि तुमने शायद कुछ ऐसा पाप किया हो जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है, शायद तभी तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं निकल पा रहा है। डिम्सडेल हमेशा अपने सीने पर हाथ रख के चलता था और चिलिंगवर्थ को कुछ शक था कि कुछ ना कुछ तो है जो ये आदमी मुझसे छुपा रहा है। तो वो उसे अपने शब्दों के जाल में फंसाने के साथ साथ वो ये देखना चाहता था कि ये क्या मुझसे छुपा रहा है। तो एक दिन चिलिंगवर्थ को मौका मिल गया। एक दिन जब डिम्सडेल सो रहा था तो चिलिंगवर्थ ने जाकर के उसकी शर्ट उतारी, तो उस पे चिलिंगवर्थ ने देखा कि डिम्सडेल के सीने पर ए नाम का लेटर बना हुआ है। ये ए लेटर डिम्सडेल ने ही बनाया था, अपने सीने पर डिम्सडेल ने ही बनाया था खुद को सजा देने के लिए, क्योंकि जैसे हेस्टर को वो ए नाम का लॉकेट पहन के रखना पड़ता है वैसे ही उसने भी पाप किया था। तो डिम्सडेल ऐसे ही खुद को सजा देता था, वो रात को खुद को कोड़े मारता था, ये ए शब्द भी उसने ही अपने सीने पे बनाया था। अब चिलिंगवर्थ जो है ये चीज देख करके खुश हो गया, क्योंकि वो तो अपनी बीवी हेस्टर के लवर को खोज ही रहा था। तो अब चिलिंगवर्थ डिम्सडेल को ज्यादा टॉर्चर करने लगा,
उसे अपने शब्दों के जाल में ज़्यादा फंसाने लगा, ज़्यादा परेशान करने लगा। एक दिन यही चीज़ हेस्टर और उसकी बेटी पर्ल ने देख ली कि चिलिंगवर्थ डिम्सडेल के साथ में क्या कर रहा है। तो हेस्टर चिलिंगवर्थ के पास जाकर के बोली कि तुम डिम्सडेल को परेशान करना बंद करो। लेकिन चिलिंगवर्थ तो कसम खा के बैठा था कि वो अपनी बीवी के लवर से बदला लेगा। तो हेस्टर ने सोचा कि चिलिंगवर्थ तो मानने वाला नहीं है, अब मुझे डिम्सडेल के पास ही जाना पड़ेगा। अब वो एक फॉरेस्ट, एक वीरान सी जगह पे जा करके डिम्सडेल से मिलती है और डिम्सडेल को बताती है कि तुम जिससे इलाज करवा रहे हो चिलिंगवर्थ, वो उसका पति है, वो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, तुम्हें उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। डिम्सडेल तो वैसे ही अपने किए पे बहुत दुखी है। वो हेस्टर को बोलता है कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, शायद यही हम दोनों की खुशी का रास्ता हो। तो हेस्टर और डिम्सडेल ने मिलकर के एक प्लान बनाया कि हम दोनों अपनी बेटी के साथ में भाग जाएंगे इस शहर को छोड़ करके, हमेशा हमेशा के लिए। अब यहाँ से तो डिम्सडेल अच्छा खासा बोल करके निकला है हेस्टर को कि हाँ हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन रास्ते में पता नहीं उस आदमी को क्या हुआ, क्या उसका दिमाग घूमा कि घर जाके उसने अपना विचार बदल दिया। अब अगले दिन चुनाव का दिन था, लोगों के सामने डिम्सडेल ने खड़े होकर अच्छा खासा भाषण दिया और जैसे ही भाषण अपना ख़त्म किया तो लोगों के सामने जाकर के उसी चबूतरे पे खड़ा हो गया जिस चबूतरे पे 3-3 घंटे हेस्टर को खड़ा रखा जाता था, और जाकर के लोगों को बोलता है कि मैं ही वो आदमी हूँ जिसने हेस्टर के साथ संबंध बनाए थे, जिसकी वजह से हेस्टर को इतना सब कुछ झेलना पड़ा। वो अपनी शर्ट खोल करके ए का साइन दिखाता है और पूरी दुनिया को बोलता है कि मैं भी उतनी ही सजा का हकदार हूँ जितनी की हेस्टर। वो पूरी जनता के सामने खड़े होकर के आत्महत्या कर लेता है और हेस्टर की हाथों में अपनी जान दे देता है। चिलिंगवर्थ के जीवन का मकसद था कि वो अपने बीवी के लवर से बदला ले, लेकिन लवर तो मर चुका है तो उसके पास अब कोई जिंदगी का लक्ष्य नहीं रहा। अब डिम्सडेल की मौत के करीब 1 साल बाद में चिलिंगवर्थ की भी मौत हो जाती है, लेकिन उसने जो भी जिंदगी में कमाया था वो अपनी बीवी की बेटी पर्ल के नाम करके चला गया। अब हेस्टर और उसकी बेटी पर्ल इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो गए। वो दोनों कहीं बेनाम जगह पे चले जाते हैं। कुछ समय बाद पर्ल बड़ी हो जाती है और हेस्टर उसकी शादी एक पैसे वाले खानदान में करवा देती है और खुद कुछ समय बाद आकर के वापस उसी कॉटेज में रहने लगती है। वही स्कारलेट लेटर का लॉकेट धारण कर लेती है और लोगों की सेवा करने लगती है अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए। और कुछ समय बाद हेस्टर की भी डेथ हो जाती है और जब वो मरती है तो उसे डिम्सडेल की कब्र के पास दफनाया जाता है और उसकी कब्र पे ए शब्द बना दिया जाता है। और यहीं इस ए शब्द के साथ हमारी नॉवेल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्कारलेट लेटर बाय नेथेनियल हाउथरोन। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।